मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के लिए ममता हेल्थ इंस्टीट्यूट फॉर मदर एंड चाइल्ड के पाथ संस्था के सहयोग से कार्यशाला का आयोजन रेलवे ऑफिसर्स क्लब के सभागार में किया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए कमिश्नर अनिल कुमार ने कहा कि JES बीमारी गोरखपुर एवं इसके आसपास के मंडलों में एक बड़ी समस्या है। इस बीमारी के प्रकोप से बचने के लिए लोगों को लगातार जागरूक भी किया जा रहा है और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों को जागरूक करने के लिए दस्तक एक और दस्तक दो अभियान चलाया गया, जिसमें घर घर जाकर लोगों के बीमारी और उससे बचाव के बारे में जानकारी दी गई। कमिश्नर ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी के दृष्टिगत मेडिकल कॉलेज में विभिन्न वार्डों का निर्माण एवं मंडल के जनपदों में पीकू आदि के बेडों की संख्या, पशुपालन, पंचायती राज आदि विभागों के से स्वच्छ पेयजल सुवरों बाड़ों के आसपास सफाई एवं स्वच्छ शौचालय के निर्माण भी कराया जा रहा है। कार्यशाला में नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, बस्ती मंडल के आयुक्त अलका टंडन भटनागर, राज परियोजना अधिकारी विकास सेंधु अग्रवाल, मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर KP कुशवाहा सहित अन्य चिकित्सक और संस्था सदस्य मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कमिश्नर ने कहा of us, may I request the dignitaries to please request each one of you to please stand in homage and respect to our former Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee Ji, who was thank you everybody, thank you very much. Good evening, please. We will have lots of stimulation coming from the audience as well. Myself, I'm Dr. Sunil Mehra. I'm a pediatrician by background. You should call Mamta Health Institute for Mother and Child, which works across the Pradesh for last two decades, primarily focusing on tuberculosis in around 28 and on RMNCHA, on human healthcare. बहुत ही चिंताजनक विषय रहा है और मैं भी 2 साल से यहाँ पर हूँ और इस सीज़न में हम अगर जुलाई से शुरू करें, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक काफ़ी ज़बरदस्त इसका मीडिया में कवरेज भी रहता है और निश्चित रूप से ये इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी समस्या है। एंसेफेलाइटिस क्यों होता है, जापानीज एंसेफेलाइटिस क्या है, एक्यूट एंसेफेलाइटिस क्या है, इसके बारे में तो मैं समझता हूँ कि एक्सपर्ट्स आज यहाँ पे उपस्थित हैं और इसका गहन चिंतन करेंगे। लेकिन स्टेट साइड से क्या इंटरवेंशन हुई है और हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। एंसेफेलाइटिस के लिए जैसे आप सब अवगत ही हैं कि किस कारण से होता है, उसका क्या एक्चुअल इलाज है, मैं AS की बात कर रहा हूँ, उस पर अभी भी विवाद और अभी भी चिंतन चल रहा है। लेकिन कैसे हम इसको रोक सकते हैं और अगर किसी को एंसेफेलाइटिस या AS हो जाए तो क्या उपाय हम लोग करें और क्या हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करें, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करें जिससे इसकी रोकथाम में और इसके जो प्रकोप है उसमें कमी आए, वो हम लोग जरूर प्रयास कर रहे हैं और ये प्रयास कई वर्षों से चला आ रहा है लेकिन पिछले 2 सालों में इसमें जरूर तीव्रता आई है। दस्तक अभियान फेज 1 और इस अभियान में जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिसेफ है, WHO है, उनसे बहुत मदद ली हम लोगों ने और इसके बारे में जागरूकता अभियान चलाया। इसमें हमने क्या किया, एक तो जो हमारे फील्ड लेवल फंक्शनरीज हैं, जो हमारे आशा है, ANM है, हेल्थ डिपार्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, इवन हेल्थ इंस्पेक्टर्स हैं और जो हमारे सिस्टर डिपार्टमेंट जो कि इसमें मदद कर सकते हैं, जैसे हमारे पंचायती राज विभाग के हमारे सेक्रेटरी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, प्रधान हैं या हमारे इवन कोटेदार भी हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्तियाँ हैं,
ये हमारे स्कूलों में जो अध्यापक जो कि फिजिकल साइट्स फिजिकल एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं उनको हम लोगों ने ट्रेनिंग दी, उनको हम लोगों ने उनको बताया कि किस तरीके से हम लोग क्या उपाय करें जिससे इसके प्रकोप में कमी आ सकती है। और जैसे इलेक्शन के दौरान ट्रेनिंग होती है पोलिंग पर्सनल्स की, उस तरीके से हम लोगों ने इन लोगों को गहनता से ट्रेनिंग दी और बताया कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ जो हमारे मेडिकल डॉक्टर्स हैं, चाहे हमारे गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं, चाहे वो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हो या हमारे पीएससी सीएससीज में हो, उनकी भी हमने ट्रेनिंग पहले भी हमने कराई, लेकिन उस दौरान हम लोगों ने डीआरडी मेडिकल कॉलेज में और केजीएमसी में हमने फिजिक्स में कराई कि अगर किसी बच्चा आता है और उसको तेज बुखार है, झटके आ रहे हैं, तो सबसे पहले क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, उनको डॉक्टर सीरिंग देना चाहिए नहीं देनी चाहिए, क्या चीज़ें हैं, ये सब बताया कि क्या हमारे SOPs होने चाहिए जिससे इसमें हम लोग उस बच्चे को तुरंत रिलीफ भी दे सकें। अभियान चलाने के लिए गाँव में रैलियाँ निकाली गई, स्कूल में प्रार्थना सभाएं कराई गई, पोस्टर्स बैनर्स लगाए गए, ग्राम सभाओं की मीटिंग हुई जिससे सबको जानकारी हो कि अगर तुरंत बच्चे को बुखार होता है, तेज बुखार है, तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए। इसके साथ साथ गवर्नमेंट की तरफ से और इसमें हमारे यूनिसेफ से भी बहुत मदद मिली, WHO से भी मदद मिली और जो हमारे सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन से मदद मिली, हर एक घर में आशा और ANM और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ गईं और इसका नामीय दस्तक वहाँ पे गई और उनको जहाँ वहाँ पे जो माताएं या बच्चों की जो माएँ थी, बहनें थी या जो भी बड़ा बुजुर्ग था, उसको बताया कि एनसेफेलाइटिस के बारे में क्या है, उनको पोस्टर स्टिकर्स दिए। और अगर किसी बच्चे को बुखार होता है तो जो इंटरवेंशन जो होनी चाहिए तुरंत पेरेंट्स की तरफ से, इवन आशा की तरफ से, ANM की तरफ से, वो तुरंत हो जाए। और इसी का सेकेंड फेज हम लोगों ने जुलाई के महीने में पुनः चलाया। दस्तक वन हम लोगों ने अप्रैल में चलाया था और दस्तक सेकेंड जो दस्तक 3 जुलाई को ख़त्म हुआ, 16 तारीख से 3 जुलाई के बीच में था, उसमें भी यही सब एक्टिविटी दोबारा दोहराई गई क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिला हमें दस्तक अभियान फेज वन का। तो इसका हमने फेज टू में यही एक्टिविटी पुनः रिपीट करी जिससे गांव-गांव तक, घर घर तक और ख़ास तौर पर ऐसे परिवार जिनके यहाँ छोटे बच्चे हैं उनको जानकारी हो जाए कि उनको पर घर में किसी बच्चे को बुखार होता है क्या करना है। इसमें भी जो स्वच्छता के बारे में जागरूकता करके, जैसे हम लोगों ने प्रयास किया कि फूड एंड फाइनेंस कमीशन से कुछ हमारे डस्टबिन और सफाई के जो और उपकरण हैं, डंपिंग ग्राउंड वगैरह बने, तो उसके भी प्रयास लगातार जारी है और कोशिश की जाएगी कि उसमें हम लोग इम्प्रूवमेंट करें। BRD मेडिकल कॉलेज में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट लाने का प्रयास किया गया है और जैसे कि उसमें काफ़ी चीज़ें हुई है, लेकिन जो अभी ये बेसिकली AES और JES के बारे में बात हो रही है तो उसके बारे में बताना चाहूँगा। 500 बेड का बाल चिकित्सालय संस्थान का निर्माण हो रहा है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हो रहा है और ये हम लोग प्रयास करते हैं फरवरी 2019 तक इसका निर्माण पूरा हो जाए। दूसरा, क्योंकि साल दर साल ये महसूस किया जाता है कि वहाँ पे बेड की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो इसलिए एक स्पेशल वार्ड हम लोगों ने 3 महीने में बनवाया, एकदम जो हमारा 100 नंबर वार्ड है उसके ऊपर 79 बेड का वो हमारा पूरा बन के तैयार हो गया है। इसके अलावा जो हमारे 100 बेड वार्ड में जो भूतल का प्रथम तल पर जो पीकू का उसको हम लोगों ने स्ट्रेंथन किया है। बाकी तो और चीज़ें हैं इसलिए मैं उसके बारे में नहीं जाना चाहूँगा। दूसरा, BRD मेडिकल कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे रोड है, ड्रेनेज हैं, डिवाइडर्स हैं, बाउंड्री वॉल है, इसकी कमी हमेशा महसूस की गई, तो इसलिए इस साल मार्च के महीने में 15 करोड़ रुपये नगर निगम को गवर्नमेंट ने सेंक्शन किया कि वहाँ के रोड, वहाँ के डिवाइडर्स, वहाँ की नालियाँ, नाले, बाउंड्री और जो भी अपकीप का जो काम है वो कराया जाए। क्योंकि गोरखपुर मंडल, बस्ती मंडल जो है हमारा इंसेफेलाइटिस से पीड़ित रहा है और पाथ फाउंडेशन हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़ी रही है और
दिल्ली से और काफ़ी अन्य शहरों से जो हमारे एक्सपर्ट हैं, खासकर जो पीडियाट्रिक क्षेत्र में हैं, वो अपने जो नया नया रिसर्च किया है और जो नए ट्रीटमेंट के उपाय आए हैं उस पर चर्चा के लिए कॉन्फ्रेंस यहाँ पे बुलाई गई थी। और इसमें जो हमारे पास जो डाटा है हम लोगों ने उनसे शेयर किया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जितने हमारे मेडिकल एक्सपर्ट्स आज आए हैं उनसे हमें आज कुछ ना कुछ नई जानकारी मिलेगी, जिससे हम जो हमारे सामने चैलेंज है एनसेफेलाइटिस का, खास तौर पे जो AES का, उस पर हम लोग पार पाएंगे।